अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। मेरा नाम प्रमोद है सर। समस्या बहुत बड़ी है, गलियों की है, नालियों की है, घर के सामने गंदगी की है, कूड़ा डालते लोग, ये प्रधान की समस्या है। ये ग्राम पंचायत की जगह पर कब्जा कर रखा है, जबरदस्ती मेरे दरवाजे के सामने गंदगी। किसने कब्जा कर रखा है? ये प्रधान के भाई हैं। नाली की समस्या ये है कि पानी का निकलने का रास्ता ही नहीं है, सामने ही घर के सामने पानी रहता है। जैसे हमने समस्या है, जो समस्या का हमारा यहाँ पर नहीं होगा समाधान तो हम तहसील में जाएंगे। मैं आलमपुर का निवासी हूँ, आलमपुर कोटला बोला जाता है, ब्लॉक नारी। यहाँ समस्या ही समस्या है, न तो खरंजा है, न नाली है, किसी का निर्माण नहीं है। और जो का प्रधान से संबंधित हैं उन्हीं लोगों का एक आध कोई कार्य हो जाए तो हो जाए, नेता किसी दूसरे का नहीं। लेटरिनों की समस्याएं देखेंगे आप, इस तरह बनी हुई हैं, बिल्कुल जीर्ण उद्धार मान लो, जीर्ण ही जीर्ण जीर्ण, एक रात मारो जमीन पर, मनरेगा का कोई काम नहीं हो रहा है। मजदूर लोग कहते हैं कि हमारे मनरेगा कार्ड प्रधान नहीं है। मेरा गाँव आलमपुर है, ग्राम डोरिया। मेरे गांव में ये समस्या है प्रधान द्वारा कि मेरे गांव में कोई विकास नहीं है, न नाली है, न खरंजे है। जो आया है तो वहां पैसा भी नहीं लगाया है, जो लगा दिया है तो खरंजे के ऊपर मात्र गिट्टी बारू डरवा दिया है और माता के अंदर करवा दिया है और शौचालय भी है 500। और तो कोई कार्य कराया नहीं है प्रधान ने, और न कोई कहता है तो रिश्वत दो, और मकान आवास है तो मकान के ऊपर आवास है, और जो पात्र हैं लेने लायक जिनके पास आवास नहीं है, वे मकान नहीं है, इनके पास तो आवास है ही नहीं है।